ये है मुजफ्फराबाद की रात, टिमटिमाती पहाड़ों पे रोशनी है, ऐसे लगता है जैसे दूर कहीं तारे चमक रहे हैं। जिस जगह हम घूम रहे हैं इसके चारों साइडों पे रोशनियाँ जो है वो पहाड़ों के ऊपर इसी तरह नज़र आती हैं। और इस रोड के बिल्कुल साथ ही एक बड़ी बिल्डिंग है जिसकी वजह से एक पहाड़ गायब हो जाता है, लेकिन वही पहाड़ मैंने आपको पीछे ऊपर से दिखाया और सामने ये। और तीसरी साइड ये पुल के ऊपर से जो दरिया के सामने नज़र आती है वो, और ये वो साइड जिस साइड पे दरिया जाता है। मुजफ्फराबाद में हमारी ये दूसरी सुबह है और तकरीबन सुबह के क्या टाइम हुआ भाई? 7 हो गए चुके हैं और सूरज जो है वो काफ़ी ऊपर निकल आया। पहाड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं साइडों पे, लेकिन मैं अपनी तरफ से जल्दी उठा था कि सूरज पहाड़ों से आउट नहीं हुआ होगा, बाहर नहीं आया होगा, लेकिन सूरज जो है वो ऊपर निकल चुका है। यानी इतना ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं उनसे भी ऊपर निकल आया, यानी काफ़ी ऊपर हो गया। अगर ये आते हुए दरिया मुजफ्फराबाद का और ये जाते हुए पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जहाँ आबादियाँ आबाद हो जाती हैं इस तरह के शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं। देखने में सीढ़ी है लेकिन दो दफ़ा उतरो चढ़ो तो बंदा फिट हो जाता है। हमारे कोई फ़र्क पड़ा इसके ऊपर उतरने चढ़ने से? बार बार बहुत फ़र्क पड़ता है। हम 4 से 5 दफ़ा जो है ये 2 दिन में चढ़ और उतर चुके हैं इन सीढ़ियों से। डेली तकरीबन 4 दफ़ा, एक दफ़ा चढ़ना, 2 दफ़ा चढ़ना, 2 दफ़ा उतरना, कुछ ज़रूरी कामों की वजह से। हमने एक्चुअली बाईपास किया इस मार्केट को। अगर इस मार्केट के अंदर एक्चुअल रास्ते से आते जो कि गाड़ियों वगैरह के लिए बना हुआ है तो हमें 500 मीटर एटलीस्ट ज़्यादा चलना पड़ना था। ऐसी ऐसी है, इससे काफ़ी सफ़र जो है वो शार्ट हो जाता है, लेकिन एनर्जी चढ़ाई है, एनर्जी उतनी लग जाती है। और वैसे ये बेसिकली मार्केट थी, चारपाइयाँ और ट्रंक्स वगैरह जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। और अब हम चलते हैं इसके मेन बाज़ार की तरफ और वहाँ से करेंगे आज क्या एक रेसिपी की क्रिएशन है, नाश्ता। वहाँ से हम करेंगे नाश्ता। भाई मुबारक को अपनी सोच है, मुझे अपनी। वैसे भाई रेसिपी की बात कर रहे थे तो चलो भाई की भी सुन लेते हैं थोड़ी सी। कौन सी रेसिपी? आज हम नाश्ते की रेसिपी बना रहे हैं। नाश्ते की रेसिपी आ गया ना मेरे वाले बात। तो मैं तो नाश्ता करने जा रहा हूँ, भाई बनाते रहे रेसिपी फिर। और असद साहब जो हैं वो आज रेस्ट के मूड पे थे। आप वो रेसिपी देखेंगे ना तो बाकी नाश्ते जो हैं वो भूल जाएंगे, और उनके लिए नाश्ता कमरे में ही जाएगा। ले जाएंगे कि छुट्टी करवानी है इसकी? मैं तो कहता हूँ छुट्टी करवाते हैं। नहीं, लेके जाते हैं तो नाश्ता लेके जाएंगे इसके लिए। सेम वे एक शॉर्टकट ये है, यहाँ से जाएँ तो रास्ता जो है वो जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं वो, और यहाँ से जाएँ तो पैदल। अचानक से चढ़ाई है लेकिन सांस जो है वो उसी तरह भूल जाता जैसे पिछली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भूल गया था, क्योंकि एक तो चढ़ाई ज़्यादा है, दूसरा स्टेप्स भी कम नहीं है। ज़ाहिर है जब शॉर्टकट करेंगे तो स्टेप्स तो फिर उठाने ही पड़ेंगे। चले मगर ये कि टाइम थोड़ा सा बच जाता है, एनर्जी तो लग ही जाती है। अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह सुबह। आपकी तो एक्सरसाइज होगी, मेरा क्या होगा। और ये वो इलाका जिसकी रात को सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही थी और अब इसकी खूबसूरती देखिए। दिल चाहता है ना बंदा यहाँ पे बसेरा करे अपना, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और ये हम पहुँच गए मार्केट। दुकानें अभी तक बंद हैं, खुलने का आगाज़ हो चुका है, यानी कुछ मार्केट में कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ खुल रही हैं और कुछ खुलेंगी थोड़ी देर में। लास्ट डे छुट्टी थी मार्केट से और यानी लॉकडाउन की वजह से बंद थी, और आज जो है वो मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह मार्केट खुलेगी। और जैसे देखें मुझे मतलब इस तरह की जगह पे आके फीलिंग्स जो लेट लतीफ़ों को जो है वो होती हैं कि हम बड़ी जल्दी आ गए।
पंजाब में खुशी भी होती है। बड़ी खूबसूरत मार्केट है यहाँ पे जहाँ से हम गुजर रहे हैं। थोड़ा अंधेरा तो होगा लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी थी। शायद किसी एक ही बंदे की एक ऑर्डर टोटल मार्बल किया हुआ है रास्ते को भी। और ये वो जगह थी जहाँ से आज हम नाश्ता करने वाले हैं और यहीं पे मुबारक भाई की जो है वो रेसिपी तैयार हो रही थी और रेसिपी जो है वो यहाँ के ट्रेडिशनल नाश्ते की है। और मैं और रऊफ करोगे नाश्ता? रऊफ भी नाश्ता करेगा। रऊफ बेटा है यहाँ पे चंदेब साहब जो यहाँ पे कारीगर हैं जिनकी ये शॉप है जो इस काम को चला रहे हैं और जिन्होंने हमें आगाही दी इस बारे में कि ये कैसे तैयार होती है नाश्ते की जो ये रेसिपी जो आज हम नाश्ता करके आपको दिखाने वाले हैं वो और जो बीमारी की जो रेसिपी तैयार करके आप तक पहुँचाने वाले हैं वो। और अभी बस इंतज़ार है उनके रेडी होने का। तंदूर में लग चुकी हैं हमारे नाश्ते के लिए हमारा सामान। और ये है वो रेसिपी जिसका आज हम नाश्ता करने वाले हैं और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और गर्म गर्म खाने का तो मज़ा ही हो रहा है। मैं कल से बनवा रहा हूँ, कल शाम से ये रेसिपी चल रही है बीमारी की और बनवाते हुए मतलब देख के जो है पानी आ रहा है। जो इसकी फाइनल सिचुएशन बनी है उसकी वजह से तो अब हम इंशाल्लाह नाश्ता करने वाले हैं। आप तो रह ही नहीं सकते। आप क्या? आप तो आप रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। वैसे भी नाश्ते का टाइम है और रऊ चंदेब साहब की तरफ से भी हमें ये वो ऑफर थी कि नाश्ता आपने हमारे साथ करना है तो हम उनके पास पहुँच गए हैं सुबह सुबह। वैसे असल मकसद हमारा रेसिपी की कम्प्लीशन था, नाश्ता उनकी जो मेहमान नवाजी है उसके हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह यहाँ के सभी लोग बड़े अच्छे कोऑपरेटिव और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। और अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता, हमारे साथ रऊफ साहब जी। भाकर खाने जो है वो चाय के साथ या चनों के साथ जो है वो बहुत पसंद की जाती है और हमें यहाँ पे नज़दीक तरीन अवेलेबल थे चने और चंदेब साहब की पसंद चने थी, बेमुबारे की भी पसंद चने थी क्योंकि चाय से थोड़ा सा कतराते हैं बेमुबारे। चंदेब साहब आप भी चाय से थोड़ा डरते हैं इनकी तरह? नहीं डरते नहीं है, लेकिन ये अवेलेबिलिटी थी और मुझे भी जो है वो चाय वैसे मैं सोच रहा था लेकिन यहाँ पे मिल रहे हैं हमें चने तो जो मिल जाए वो बिस्मिल्लाह। अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता। शुक्रिया। और चाय को मैं मिस कर रहा था लेकिन चाय भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हो गई है और अब चाय के साथ भी हम टेस्ट कर सकते हैं और जो चने थे उनके साथ भी। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और बहुत ही नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल की चीज़ है। जहाँ हम बैठे हैं ये बेसिकली होटल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तैयार की जाती है बाकर खानी वगैरह या नान कुलचे वगैरह और वो जो है टेक अवे पे दे दिए जाते हैं या करीबी शॉप्स वाले जो हैं वो लेके जाते हैं। लेकिन हमारी ये हमारे लिए ये स्पेशल ऑफर थी चंदेब की तरफ से, एक मेहमान नवाजी का ऑप्शन था साथ में उनकी तरफ से और उनके पास ही हम बैठ के खुद नाश्ता कर रहे हैं और उनको भी। और अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ इसे चाय के साथ। चने के साथ भी खाने का इसका अपना मज़ा लेकिन चाय के साथ तो फिर नाश्ते में बाकर खानी का जो सही जोड़ा वो चाय के साथ ही है। वो चाय आपकी बेकरी की बाकर खानी है, चाय इस तरह तंदूर पे पकाई हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार आज का नाश्ता हो रहा है हमारा। यानी वो जो मेहनत की है बीमारी के साथ इसकी क्रिएशन में उसके पैसे पूरे हो गए हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो यहाँ के मनाजर कैसे थे। टाइम हो चुका है 8 का, नाश्ता करके हम वापस निकल आए और अभी जो है वो शॉप का खुली है लेकिन उस तरह से मार्केट अभी तक नहीं खुली क्योंकि मार्केट में जो है वो चहल पहल थोड़ा लेट ही होती है। और ये वैसे भी कैपिटल है यहाँ आज़ाद कश्मीर का, कैपिटल आप जानते हैं जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के अगर मार्केट्स देखें तो 11 बजे 12 बजे से पहले तो बिल्कुल कोई खोलने का कोई दुकान नाम नहीं लेगा और यहाँ पे फिर भी 8 बजे शॉप्स खुल रही हैं। और कंपेनियनशिप की बात करें तो आपके साथ जो बंदा जा रहा होता है उसके साथ ज़रूर ख्याल करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रुका था और एक शॉप पर रुक काम था थोड़ा सा और भाई बाइक ने नहीं देखा कि वो कहाँ है अजमत नहीं वो जा ओप्स और सीढ़ियों पर पानी और मैं स्लिप हो गया।
तो काफ़ी ख़तरनाक काम है, काफ़ी एहतियात से यहाँ पे चलना चाहिए। सोच ये रहा था कि मैं वो वहाँ से स्लिप हुआ था यहाँ तक अगर आता तो क्या बनता मेरा। और ये जो आवाज़ आना शुरू हुई है यहाँ पे हथौड़ा चलाने की, ये वाली इस मार्केट पे सारा दिन तकरीबन सभी दुकानों से आती है, क्योंकि यहाँ पे लोहे का काम करने वाली दुकानें हैं, मोस्टली मार्केट है ये, यानी वो ट्रंक्स वगैरह जो बनाते हैं और चारपाइयाँ वगैरह भी यहीं से अवेलेबल होती हैं, तो ये आवाज़ सारा दिन ही चलती है। भाई मुबारक को आज ख्याल आया असद को जूस पिलाने का, क्योंकि उन्होंने कमेंट्स पढ़े हैं कि असद काफ़ी जो है ना वो थका हुआ लग रहा है। वो जो आप लोगों ने कमेंट्स किए ना मेरी वीडियो के नीचे, वो भाई मुबारक ने पढ़ लिए हैं, तो भाई मुबारक असद को लेके आए हैं यहाँ पे जूस पिलाने के लिए। असद पीना जूस, जूस पीना तो मिल्क शेक पी लिया यार, जूस ना पी। हाँ वो पी लिया मिल्क शेक, पी लेगा जूस नहीं। मिल्क शेक में ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा था, तो अब एनर्जेटिक होने जा रहा है असद, देख लें हम कितना ख्याल करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बस असद को तंग कर रहे हैं। असद पी ले, पी लो यार। कमेंट्स कौन से जो वीडियो पे आज? अच्छा आप, मैंने कहा सर मेरे वाले कमेंट्स पढ़ना शुरू कर। और दरिया के बिल्कुल किनारे हम पहुंच चुके हैं, असद साहब थक के बैठ गए हैं। थके हुए फ्रेश है? मैं उसकी ठंडक को महसूस कर रहा हूं। आप थके? थोड़े थका तो नहीं नहाना आगे, थका तो कोई नहीं नहाना आगे। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड भी लगती है, ठंडा पानी बड़ा ज़्यादा। नहीं यकीन तो आप देख लें, अभी जाइए पानी। और पूरी स्टिक जो है वो मैंने डिप की है पानी में, लेकिन फिर भी ये जो कैमरा नीचे नहीं लगा, यानी काफ़ी गहरा है यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। वो सेंटर में नहीं, लोगों से मुझे प्यार है, मैं किसी को आगे नहीं फेंक सकता पानी में। असद क्या ना लोगों को फेंको, तो वो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। ये ले आप भी जाए पानी में और अंदर, अब आप भी जाए पानी में हो। देख ले असद के जज्बात मेरे लिए, नुकसान करना चाह रहा सुबह सुबह कैमरे का। हाँ तुम बोतल नाल लाई है जी, अपने कपड़े ले आ की फायदा? अब बोतल जी कपड़े नाल लाई है की फायदा? पानी थले नहीं जाते। तो तैराकी की बच्चों की यहाँ पे ट्रिक है, रिस्की है वैसे, बच्चे एक साइड भी नहा रहे हैं यहाँ पे, जब इन्होंने वो बंद बांधे होते हैं बच्चों के लिए और अपने लिए नहाने के लिए यहाँ पे, और छोटे मोटे काम जो होते हैं दरिया पे किए जाते हैं उसके लिए हल्के हल्के बंद बांधे होते हैं, जिसके दरमियान से इतना गहरा पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे जो है मज़ीद सेफ्टी के लिए अपने साथ इस तरह की फॉर्म और बॉटल्स जो हैं वो खाली रखते हैं साथ कपड़ों में अपने बांध के पानी जो है वो उनको हेल्प करता है, वो बोतल जो होती है हेल्प करती है तैराकी में। लेकिन पानी देख के चकराता सर। वैसे नाम की है थोड़ा छोटे? कमरान। कमरान? उजैर। उजैर क्या करते हो? एक कमरान है एक उजैर है। पढ़ते हो क्या, कोई काम शाम करते हो, क्या करते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? वो पांचवी। एक कमरान है और एक उजैर है, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अगर वो देख रहे हैं तो देख लो भी आपके हम नाम यहाँ पे हैं। यार बम्बारिक बड़े उदास खड़े हैं आज दरिया के किनारे, पता नहीं कोई पुरानी याद आ गई इनको। क्यों बम्बारिक, कौन सी याद ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पे? हम छोटे होते थे तो गांव में ना तालाब में पत्थर फेंकते थे, पत्थर जो है वो बार बार स्टेप लेके आगे चलता था, तो वही मैं करने लगा। देखिए भाई मुबारक का कितना मुकाबला, असद का और भाई मुबारक का मुकाबला, अब उसके बाद मैं फेंकूंगा। चले भाई स्टेप गिनने, अभी आपने कितने स्टेप लेते हैं? चलो दो, तीन, तीन, दो तीन चार, एक दो दो और दो चुके। चल भी छोटे, एक एक ही चुके। उछल नाला ढूंढ के छोड़ना, और एक ही है, एक ही है। और दोनों बंदे जो हैं बम्बारक के तीन, असद के चार, और अब मेरी बारी है पत्थर फेंकने की। मैं पहले पत्थर सर्च करूंगा अच्छा वाला। ये ले ये भी अच्छा जाता है, मगर ये छोटा पत्थर है तो इसके इस पे मुकाबला सख्त है, रिस्क नहीं लेंगे हम।
ये चीज मेरे अजीज। अब देखिए ये कहाँ तक जाती है। क्या ख्याल है भाई मारे इसके बारे में? इसके बारे में क्या ख्याल? आपके हाथ में सफाई है तो ये चार पांच इजीली कर सकते। चलो फोड़ो, अब मैं फेंकने जा रहा हूँ और देखिए क्या बनता है। पूरी प्रेपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ सही रहेगा। बहुत अच्छा बनेगा घर, आज चार कर लेंगे, तीन चार। दो बिस्तर नहीं होगी ये, वैसे कढ़ाई बनते हैं। दो त्रै चार चंगी रह गई थी। मैं बारिक जोश में अब फेंकने लगे पार। अब ये जाएगी पार, दरियाओं पार। बीमारी नहीं होगी? पार कर दी है मैंने, डिप्स लगवा के करनी थी पार, ऐसे नहीं लगा के नहीं, दरिया पार करनी थी। उस वक्त से कंपटीशन के इरादे से फेंक रहे थे तो तीन चार डिप्स मैक्सिमम लग रहे थे। अभी मैंने बगैर उसके कंपटीशन के, बगैर कैम के फेंकी है तो चार पांच लग गए हैं और दरिया के बड़ी करीब तक गई है पार होने के। पता नहीं कंपटीशन में कोई फर्क है क्यों भाई मुबारक? उस वक्त आप जोश से फेंकते हो ना तो इस वक्त तो वैसे रहा फेंक रहे हो, लग गया नहीं तो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का ही सही। हाँ लग गया तीर नहीं तो तुक्का वाली बात सही है वैसे। और दरिया से जो मतलब पहाड़, जो जिन चश्मों से पानी यहाँ तक पहुँचता है वो पहाड़ आप मुलायजा करें। और ये सामने आबादी है मुजफ्फराबाद। वैसे दरिया पे आएँ और इस तरह पाँव नंगे करके दरिया में रख के ना बैठें तो दरिया का पे आने का जो मज़ा है वो अधूरा रहता है। और अब मैं उतारने लगूँ अपने बूट और थोड़े पैर ठंडे करने लगे। आपका इरादा है मेम्बर पैर ठंडे करने का? नहीं मैंने नहीं करना। क्यों? ठंड लगती है? ठंड लगती है। चले जी भाई, मारे को तो ठंड लग रही है, हम जो है ठंड इंजॉय कर लेते हैं थोड़ी सी। जबरदस्त बच्चे को तैराकी अच्छी आती है, अच्छा था ये। उसी लोकेशन खुली करके करना। और बहुत ठंडा पानी है। इस तरह की लोकेशन में थोड़ा सा कैम का यूज़ जो है वो लाइट के अपोजिट हो जाता है और थोड़ा मतलब डार्कनेस आती है। लेकिन ये कि हमारा मकसद यहाँ पे इन चीज़ों की खूबसूरती को प्रेजेंटेशन और इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस करना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से आपने मेरी वीडियोस में मोस्टली देखा कि सेम ड्रेस, मगर वो ड्रेस की बात करें तो मैं तकरीबन 7 दिन में 5 मरतबा जो है वो धो चुका था उसे, और एक दफ़ा फिर रात को भी मैंने धोया। मतलब ये कहने का ये है कि ट्रैवल कर रहे हैं हम और ज़्यादा लगेज जो है वो उठाना उस तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था पैदल ट्रैवल करने का और पैदल ट्रैवल करते हुए लगेज जो है वो जितना कम होगा आपके शोल्डर्स पे उतना आप फ्रेश और इजीली जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे। ये सबसे बेसिक रूल है ट्रैवल का। और मैं मुबारक से पूछते हैं, वो ट्रैवल करते रहते हैं, क्या ख्याल है उनके इस बारे में? ट्रैवल करते हुए जितना आपके पास सामान शार्ट होगा आप उतने इजी रहेंगे, अगर सामान ज़्यादा उठाएंगे तो ज़ाहिर फिर सामान ही उठाएंगे, आप खुद इंजॉय नहीं करेंगे। तो वही इंजॉयमेंट करने और आपके लिए, आपको प्रेजेंट करने के लिए हमने जो है ये कोशिश की थी। और उसमें अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन चाहें तो ड्रेसेस वगैरह कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा मकसद और है। और अब टाइम हो गया लंच ब्रेक का, चलते हैं लंच पे। और लंच करने के बाद बल्कि आपसे शेयर करते हैं कि लंच पे हमें आज क्या मिलने वाला है। अब निकलते हैं लंच के लिए, इससे पहले कि भाई मुबारक और असद लोग जो हैं वो अकेले ही चले जाएँ। मैनू लेके जायो, जितना वज़न उतना प्रॉब्लम चढ़ने में। देखते ही देखते बिल्कुल सारे पहाड़ जो है वो गायब हो गए और बारिश इतनी तेज है कि आप देख सकते हैं। सिर्फ ये दरिया के साथ ही जो दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे हमारे दरिया के जो पहाड़ है उसके ऊपर लाइट्स नज़र आ रही हैं। बाकी टोटल
अंधेरा छा चुका। कश्मीर के मौसम में बात करते हुए एक बंदे ने बताया था कि यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं चलता कि कब जो है वो बारिश स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल इसी तरह हुआ कि अभी 5-1 मिनट पहले मैं यहाँ से होके गया था और हल्के फुल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। और आप जब दोबारा आके देखा तो हर तरफ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मतलब किसी भी तरफ। बरसने के बाद बादल जो है वो सामने पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं और मौसम बहुत ही साफ और शफाफ हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। दरिया में जो पानी है उसका लेवल जो है पहले से काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि बरसाती जो पानी जितना भी है इधर से इलाके का वो सारा का सारा उसी में जा रहा है और खूबसूरत हो गया एक दफ़ा फिर से मौसम। लेकिन अभी तक बारिश जो है वो बरस रही है, बाहर जा नहीं सकते कहीं। और इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की देसी और मज़ेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।